अभी तक हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग अगला चिप पार्ट कोलाइडल सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन सबसे बड़ा पोर्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे बड़ा पोर्शन भी यही है। तो देखिए, इनिशियली थॉमस ग्राम ने सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था कोलाइड्स जो कि एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सके, उसको बोला गया था कोलाइड्स, और दूसरा क्रिस्टलॉइड जो एसपीएम के थ्रू पास कर सकता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकता है। तो पॉइंट यही है, थॉमस ग्राम, इनको फादर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री बोला जाता है, थॉमस ग्राम डिवाइडेड सब्सटेंस इन टू कैटेगरी, सब्सटेंस इन टू पार्ट्स, टू कैटेगरी, टू पार्ट्स। पहला डिवीजन किया गया था क्रिस्टलॉइड के रूप में, क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड उस तरह के सब्सटेंस को बोला गया जो कि एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सके, विच पासेस थ्रू एसपीएम, विच पासेस थ्रू एसपीएम, जो एसपीएम के थ्रू पास करेगा उसको हम लोग क्रिस्टलॉइड बोलेंगे। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल हो गए तो एनएसीएल सोल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन, सब इन वाटर लिखा हुआ, सॉल्वेंट एज ए वाटर ट्रीट किया गया है। और दूसरा ट्रीट बोला गया कोलाइड्स, कोलाइड्स ऐसे सब्सटेंस को बोला गया विच doesn't pass through SPM, जो which doesn't pass through SPM को ही हम लोग कोलाइड्स बोलेंगे। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो स्टार सॉल्यूशन, गिलाटीन सॉल्यूशन, गम सॉल्यूशन, ये सभी चीजें, ये हमारे पास कोलाइड्स है। एक क्रिस्टलॉइड हुआ जो कि एसपीएम के थ्रू पास कर सकता है, और एक कोलाइड्स हुआ जो एसपीएम के थ्रू पास नहीं कर सकता है। हालांकि इस डिफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज सेम सब्सटेंस अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। दिस डिफिनेशन वॉज नेग्लेक्टेड, दिस डिफिनेशन वॉज नेग्लेक्टेड बिकॉज सेम सब्सटेंस होगा, सेम सब्सटेंस एक्ट एज, सेम सब्सटेंस एक्ट एज क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड इन वन सॉल्वेंट एंड कोलाइड्स, कोलाइड्स इन अदर सॉल्वेंट। समझना है प्रॉब्लम क्या हुआ। जैसे कि अभी तक हमने डिवाइड किया है कि भाई स्टार सॉल्यूशन जो होगा, स्टार्च जो होगा वो कोलाइड्स होगा, लेकिन अगर आप स्टार्च को देखोगे, स्टार्च को अगर हमने वाटर में लिया, वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया, इसमें हमने स्टार सॉल्यूशन को वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया, तब ये हो गया कोलाइड्स। लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें लाइक बेंजीन, अगर हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें तो ये हो जाएगा क्रिस्टलॉइड। ठीक है, सिमिलरली सल्फर को, सल्फर, सल्फर सॉल्यूशन को अगर हम क्या करें, अल्कोहल ले लें एज सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा क्रिस्टलॉइड होता है, एसपीएम के थ्रू पास कर पाएगा। और अगर हम
सल्फर सॉल्यूशन में वाटर ले लिया जाए सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा कोलाइड्स। तो आपको दिख रहा होगा कि सेम सब्सटेंस अलग अलग सॉल्यूशन में, अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये डिफिनेशन जो कि एसपीएम के पासेस के थ्रू था, डिफिनेशन दिया गया था, इस डिफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, इस डिफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो नया डिफिनेशन दिया गया। नया डिफिनेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। इस डिफिनेशन के अनुसार कोलाइड्स या क्रिस्टलॉइड कोई सब्सटेंस का टाइप नहीं है, बल्कि सब्सटेंस के एग्जिस्टेंस का एक, मतलब एक रेंज ऑफ डायमेंशन है। कोई भी सब्सटेंस, सल्फर है तो सल्फर जो है सॉल्यूशन के रूप में भी हो सकता है, क्रिस्टलॉइड के रूप में भी हो सकता है, कोलाइड्स के रूप में भी हो सकता है, सस्पेंशन के भी रूप में हो सकता है। ये पार्टिकुलर सब्सटेंस के साइज पे डिपेंड करता है कि उसको हम किस तरह का सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, एक स्टेट है एक सब्सटेंस का, ना कि सब्सटेंस का टाइप है। तो कोलाइड्स का ये डिफिनेशन फेल किया और इसलिए नया डिफिनेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसके अनुसार से कोलाइडल स्टेट एक पार्टिकुलर स्टेट होता है किसी सब्सटेंस का, ना कि सब्सटेंस का एक टाइप। साइज के आधार पर नया डिफिनेशन दिया गया कोलाइड्स का, और साइज के आधार पर डिवाइड इस तरह से किया गया। इस डिफिनेशन के फेल होने के बाद साइज के आधार पर हम लोग डिफिनेशन देंगे। जो प्रीवियस डिफिनेशन है वो फेल किया, इसके बाद क्या हुआ, कोलाइड्स कोलाइड्स आर डिवाइडेड आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ पार्टिकल के कारण के आधार पे कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफाइन किया गया। जैसे डिवाइड ये किया गया कि सब्सटेंस को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सब्सटेंस जो होता है, कोई भी सब्सटेंस को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक हुआ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन वैसे पार्टिकल को कहा गया, वैसे सब्सटेंस को कहा गया जिसमें कि साइज ऑफ पार्टिकल वन नैनोमीटर से छोटा अगर साइज ऑफ पार्टिकल था उसको कहा गया ट्रू सॉल्यूशन। और सबसे बड़े लेवल पे सस्पेंशन, इसमें साइज ऑफ पार्टिकल को माना गया क्या, इसमें साइज ऑफ पार्टिकल को माना गया ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और जो इंटरमीडिएट डायमेंशन, जो हम लोग जानते हैं सरफेस केमिस्ट्री का डायमेंशन, उसी को बोला गया कोलाइड्स। और इसका साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक, जो कि रेंज ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है, रेंज ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है कोलाइड से ही। समझ में? तो हम लोग सब्सटेंस के पार्टिकल साइज के आधार पे कोलाइड्स, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्लासिफिकेशन करेंगे, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ पासेस थ्रू एसपीएम। मतलब साफ है कि ट्रू सॉल्यूशन या कोलाइड्स या सस्पेंशन किसी सब्सटेंस का एक पार्टिकुलर स्टेट है, ना कि सब्सटेंस का टाइप। अब देखिए, अब ट्रू सॉल्यूशन में दो शब्द इस्तेमाल करते होंगे बार बार। ट्रू सॉल्यूशन में शब्द इस्तेमाल करते होंगे सॉल्ट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्ट सॉल्वेंट मिल करके क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, ये हम लोग पढ़ते थे। सेम तरीके से अगर हम कोलाइड्स की बात करें और सस्पेंशन की बात करें,
कोलाइड्स या सस्पेंशन की बात करें तो ये बनता है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज वही है जो कि सॉल्यूट है और डिस्पर्सन मीडियम वही है जो कि सॉल्वेंट है। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है उसको बोला जाता है डिस्पर्सन मीडियम और जो सॉल्यूट होता है उसको बोला जाता है डिस्पर्स फेज। शॉर्ट में हम बार बार डीपी और डीएम यूज किया करेंगे, डीपी और डीएम यूज किया करेंगे। तो आप गौर करोगे कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे ट्रू सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट वो है जो डिजोल्व होता है, सॉल्वेंट वो है जो डिजोल्व करता है। सेम तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन में हम लोग डीपी डिस्पर्स फेज जो सॉल्युबल होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो सॉल्युबल करता है, जो डिजोल्व करता है, सॉल्युबल करे ना करे डिजोल्व करता है। तो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन में बार बार इस्तेमाल करेंगे शब्द डीपी या डीएम। कभी भी अगर हम पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का, मतलब इसका पार्टिकल डिस्पर्स फेज का पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल साइज अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साइज को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को ही कोलाइडल पार्टिकल्स कहा जाएगा, ठीक है। तो ये डिवीजन है, ये सही डिवीजन है, यही सही क्लासिफिकेशन है, ना कि पासेस टू एसपीएम। अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे ये पॉइंट की ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब एक तरफ ट्रू सॉल्यूशन लिख रहे हैं, एक तरफ कोलाइडल सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इसके बाद हम सस्पेंशन एक तरफ लिख रहे हैं, तो सबसे राइट मोस्ट साइड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात है नेचर। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर का होता है, होमोजीनियस नेचर होता है। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस नेचर है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और सस्पेंशन भी क्या होगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होगा, और ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होगा, ठीक है। दूसरा है पार्टिकल साइज, तो अभी हमने डिवीजन ही किया इसी के आधार पे, तो पार्टिकल साइज को भी बताया है डेफिनेशन में, ये था कि अगर साइज क्या हो लेस देन 1 नैनोमीटर हो तो उसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। साइज अगर 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक हो उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। तो तीन डिवीजन है पार्टिकल साइज का, 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और 1000 नैनोमीटर से बड़ा। तीसरा अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये स्टेबल होगा, बहुत अच्छा खासा स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, प्रेसिपिटेट डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या होगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा,
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये सस्पेंसर हुआ, सस्पेंसर अनस्टेबल होगा। चौथा बात करें फिल्टर, फिल्टर फिल्टरेबिलिटी, फिल्टर कैसे होगा, ठीक है, कांट बी फिल्टर्ड, ठीक है, कैन बी फिल्टर बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर, कैन बी फिल्टर बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर आता है ग्रेडेड फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का ग्रेडेड, ग्रेडेड मतलब होता है कि लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेवल, बहुत सारा लेयर रहता है फिल्टर पेपर का, जिसमें लेयर बाय लेयर क्या होता है कि पार्टिकल साइज, पोर साइज है, जो छेद होगा फिल्टर पेपर में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और ये जो होगा कैन बी फिल्टर बाय, कैन बी फिल्टर्ड बाय सिंपल फिल्टर पेपर, कि सिंपल फिल्टर पेपर से हम लोग इसको फिल्टर कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, विजिबिलिटी, कांट बी सीन, इसका पार्टिकल को हम लोग नहीं देख सकते हैं, पार्टिकल को नहीं देख सकते, और वैसे चूसो से देख सकते हैं, पार्टिकल को नहीं देख सकते, ये बोला जा रहा है। कांट बी सीन बाय नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट विजिबल थ्रू, विजिबल थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, और ये क्या होगा, कैन बी विजिबल बाय नेकेड आई, नेकेड आई से ही हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम विजिबिलिटी, विजिबिलिटी ये हुआ। अगर हम कुछ और क्लासिफिकेशन करना चाहें तो देखिए, छठा ब्राउनियन मूवमेंट, ये सब चीजें आगे आप पढ़ोगे, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, डजंट ऑब्जर्व, ब्राउनियन मूवमेंट इसमें नहीं ऑब्जर्व होगा, ठीक है, इसमें ऑब्जर्व, इसमें भी ऑब्जर्व, ब्राउनियन मूवमेंट ऑब्जर्व होगा। बात करें अगर हम आगे अब सातवां क्लासिफिकेशन की, बाद अगर हम करें सातवां क्लासिफिकेशन की, टिंडल इफेक्ट, ये सब चीज आगे आप पढ़ोगे, ब्राउनिंग मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट आप अभी नहीं समझ पा रहे होगे, तो हम आगे आप बताएंगे आपको क्या होता है। डजेंट एग्जिबिट, डजेंट सो, डजेंट सो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, सो टिंडल इफेक्ट और सो टिंडल इफेक्ट। पार्ट वन और लास्ट हम लोग कर रहे हैं ऑलमोस्ट, कि विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब ये क्या होगा, क्लियर सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, क्लियर सॉल्यूशन होगा, और ये क्या होगा, पॉपिट की होगा, पॉपिट की होगा मतलब इसके, पॉपिट की मतलब इनविजिबल, इसके आर पार आप नहीं देख पाओगे, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के आर पार आप देख पाओगे। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी क्लियर सॉल्यूशन टू सम एक्सटेंट होगा, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं किया बहुत ज्यादा, सम एक्सटेंट, कुछ कुछ ऐसा भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा इसके आर पार आप नहीं देख सकते हो, कुछ कुछ ऐसा भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा इसके आर पार आप देख सकते हो, क्लियर सॉल्यूशन के आर पार आप हमेशा देख सकते हो, सस्पेंशन के आर पार नहीं देखा जा सकता है। यही डिवीजन है, यही डिफरेंस है बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन है सस्पेंशन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग को चार पार्ट में पढ़ना होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। पहला पार्ट है टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या क्या टाइप होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का। दूसरा पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरा पार्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड चौथा पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये चार पार्ट में हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टडी करना है।
सबसे पहले डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन के बाद प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे, कैसे प्यूरिफाई करेंगे जो बनाया कोलाइडल सोल्यूशन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये चार पार्ट में हम लोग को कोलाइडल सोल्यूशन को पढ़ना है, उसके बाद हम इमल्शन के बारे में बताएंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए हम लोग अब कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग को डिवीजन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन सबसे पहले पढ़ना है, टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन सबसे पहले पढ़ना है। देखिए तीन तरीका है कोलाइडल सोल्यूशन को डिवाइड करने का। पहला तरीका है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फेज के आधार, मतलब फेज क्या होगा, मतलब स्टेज क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस ये सब के आधार पे। दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है, नहीं है, ये इसके आधार। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कैसे ऑब्टेन करोगे आपको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का बनाना है तो आप तोड़ के बनाओगे कि जोड़ के बनाओगे कि उसी डायमेंशन में रहेगा, किस तरह से आप पार्टिकल साइज उस पार्टिकुलर डायमेंशन का बनाओगे। तो तीन तरीका डिवीजन का, पहला ऑन द बेस ऑफ फेज डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज का फेज के आधार पे, दूसरा तरीका है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और तीसरा तरीका है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के बनाने का वे पे, उस डायमेंशन को अटेन कैसे किया जाएगा उसके आधार। तो हम लोग सबसे पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ डीपी एंड डीएम। डीपी मतलब डिस्पर्स फेज, डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम। देर आर एट टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आठ तरह का कोलाइडल सोल्यूशन होता है। देखो देखिए हम बताते हैं आपको, डिस्पर्स फेज एक तरफ लिख रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम लिख रहे हैं, नेम कोलाइडल सोल्यूशन का क्या होगा वो लिखा जा रहा है, नेम ऑफ सोल्यूशन, और कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कुछ दो चार एग्जाम्पल लिखेंगे। और ये पूछा जा सकता है, खासकर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि याद करना है, आपका कॉमन सेंस की बात है कि आप बता सकते हो कि क्या डिस्पर्स फेज होगा क्या डिस्पर्सन मीडियम होगा। जैसे कि देखिए सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज हुआ और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह के कोलाइडल सोल्यूशन का नाम होता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल इसका नाम होगा सॉलिड सोल। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो मेटल एलॉय इसका एग्जांपल है, जेमस्टोन वगैरह इसका एग्जांपल है, ठीक है, जेमस्टोन वगैरह इसका एग्जांपल है। दूसरा हम लिख रहे हैं, मान लिया आपने सॉलिड रखा लेकिन इसको क्या कर दिया, लिक्विड कर दिया, इसका नाम होता है सोल, सिंपली सोल बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड डिस्पर्स हो, जैसे कि इंक हुआ, पेंट हुआ, ये सब क्या होगा इसका एग्जांपल होगा, गोल्ड सोल हुआ, मेटल सोल वगैरह इसी का एग्जांपल होगा, ठीक है, ये एग्जांपल होगा। तीसरा, अगर हम सॉलिड को क्या करें,
गैस में डिस्पर्स कर दे, गैस दो का डिस्पर्सन मीडियम और सॉलिड दो का डिस्पर्स स्पेस। तो इसका एग्जांपल होता है, इसका नाम होता है एरोसोल। और इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे गैस में सॉलिड डिस्पर्स, जैसे किसका एग्जांपल होगा डस्ट, इसका एग्जांपल होगा स्मोक, इसका एग्जांपल होगा स्ट्रॉम, आंधी जो आता है उसमें गैसियस पार्टिकल हवा के साथ मूव कर रहा होता है स्ट्रॉम। चौथा केस हम लोग लिखते हैं, अब क्या हम लोग करते हैं डिस्पर्स केस को करते हैं लिक्विड, और लिक्विड को हम क्या करते हैं सॉलिड में डिस्पर्स कराते हैं। हमने लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स कराया, इसे इसका नाम होता है जेल, और इसका एग्जांपल होगा चीज, बटर, कर्ड, ये सब इसका एग्जांपल होगा। सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स होता है, सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स होता है। पांचवा अगर हम एग्जांपल लेते हैं पकेस लेते हैं तो लिक्विड होगा, लिक्विड डिस्पर्स फेज है, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम ही है, इसका नाम होता है इमल्सन, इसका नाम होता है इमल्सन। और इसका एग्जांपल है मिल्क, ठीक है, सम मेडिसिन, इम्लूसिफाइड ऑयल, इम्लूसिफाइड ऑयल एक होता है, इम्लूसिफाइड ऑयल हो गया, ठीक है। पांचवा छठा इसका एग्जाम, छठा आप ले सकते हो लिक्विड को ही आप क्या करो गैस में ले लो, ठीक है। इसको भी हम लोग एरोसोल ही कहते हैं, एरोसोल ही कहा जा सकता है इसको भी, और गैस में लिक्विड डिस्पर्स हो, जैसे इसका एग्जांपल होगा फोग, मिस्ट, कोरा, मिस्ट, क्लाउड, ये सब इसका एग्जांपल हुआ गैस में लिक्विड डिस्पर्स। सातवां केस होगा गैस जो हो सॉलिड में, गैस जो हो सॉलिड में, समझो सॉलिड हो उस सॉलिड में गैस डिस्पर्स हो, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, इसका भी नाम सॉलिड सोल ही है, ठीक है। सॉलिड में गैस डिस्पर्स, इसका एग्जांपल होगा जैसे कुमिंस स्टोन एक होता है, कुमिंस स्टोन, उसमें क्या होता है सॉलिड में, सॉलिड स्टोन होता है उसमें गैस ज्यादा प्रेजेंट होता है। आठवां होता है गैस प्रेजेंट इन लिक्विड, इसको बोला जाता है फोम, और इसका एग्जांपल अगर आप लिखोगे फोम का एग्जांपल, लिक्विड में, लिक्विड में गैस डिस्पर्स हो, जैसे कि इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, जैसे कि सेविंग फोम वगैरह जो आता है, सेविंग फोम वगैरह जो आता है वो सब इसका एग्जांपल होगा। और एग्जांपल आप बोल सकते हो लिक्विड में गैस, कुछ इस तरह का एग्जांपल होता हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में लिक्विड में गैस क्या रहता है मिलाया हुआ रहता है, उस तरह का आप एग्जांपल कर सकते हो फोम टाइप का, तो वो एग्जांपल होगा। एक लास्ट आप देख रहे होंगे इसमें कि गैस टू गैस हमने नहीं बनाया, गैस टू गैस हमने कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाया, गैस टू गैस कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि गैस टू गैस मिक्सचर होमोजेनियस नेचर का होगा, कंप्लीटली आपस में मिक्स कर जाएगा वो, और कंप्लीटली आपस में मिक्स करने के कारण वो होमोजेनियस नेचर का होगा, इसलिए उसको कोलाइडल सोल्यूशन के रूप में डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक चीज आपको दिख रहा होगा कि अधिकतर बहुत सारे केसेस में आठ तरह का अगर हमने डिवीजन किया है तो उसमें पांच में सोल 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 अंतिम में आ रहा है। जनरली हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन को सोल कह के बुलाते हैं बिकॉज अधिकतर का नाम सोल की तरह है, खासकर तब हम लोग जरूर बुलाएंगे जब सॉलिड डिस्पर्स फेज हो और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम हो, तो उसको हम लोग सोल कहते हैं, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड, डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड सोल का नाम चेंज करता है। मान लो आपको क्या हो लिक्विड, क्या हो मतलब जो डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो वो क्या हो वाटर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसोल। अगर वाटर की जगह क्या हो अल्कोहल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोसोल। अगर अल्कोहल की जगह बेंजीन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोसोल। तो ये सब नाम है। जनरली हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन
जिसमें कि लिक्विड होगा डिस्पर्स फेज, लिक्विड होगा डिस्पर्सन मीडियम और सॉलिड होगा डिस्पर्स फेज, उसको सोल बोलेंगे। टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें कि एक डिवीजन बता दिया गया है, पहला डिवीजन बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ डीपी एंड डीएम, ऑन द बेस ऑफ फेज ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फेज के आधार पे कोलाइडल सॉल्यूशन को पांच पार्ट में डिवाइड किया गया था। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, there are two types of collateral solution. पहला होता है लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल का मतलब होता है एक ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होने के कारण सच सोल आर हाईली स्टेबल हाईली सॉल्वेटेड, इजिली प्रिपेयर्ड, ठीक है, आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, हाईली सॉल्वेटेड होगा बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है डीपी और डीएम के बीच में, पार्टिकल्स होगा हाईली सॉल्वेटेड होगा। दूसरा होता है लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक सोल एक ऐसा सोल होगा जिसमें कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होगा, नो इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, ठीक है। और इसलिए क्या होगा, सच सोल्स आर लेस स्टेबल कांट बी इजली प्रिपेयर्ड, आसानी से आप नहीं बना सकते हो, लेस सॉल्वेटेड बहुत कम सॉल्वेटेड होता है, ठीक है, आसानी से कोगुलेट कर जाएगा, कोगुलेट कर जाना मतलब इजिली प्रेसिपिटेट कर जाएगा, कैन बी इजिली कोगुलेटेड, कोगुलेट करना का मतलब होता है प्रेसिपिटेट करना, कोगुलेटेड बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सारा कुछ हम लोग को पढ़ना ही है तो सब कुछ हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल में, कोगुलेशन क्या है, क्यों सॉल्वेशन ज्यादा है, क्यों कम है, कैसे कैसे प्रिपरेशन किया जाएगा, ठीक है। लायोफिलिक सोल को बनाना बहुत आसान होता है, डीपी और डीएम को जस्ट मिक्स कर दो और सेक कर दो अच्छे से, लायोफिलिक सोल बन जाएगा। लेकिन लायोफोबिक सोल को बनाना मुश्किल काम है, आप डीपी डीएम को आसानी से मिलाकर नहीं बना सकते हो, बल्कि इसके लिए स्पेशल मेथड जरूरत होता है जो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन में पढ़ेंगे। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं कि लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल, difference between lyophilic
एंड लायोफोबिक सोल, ठीक है। एक तरफ हम देख रहे हैं लायोफिलिक सोल और एक तरफ हम लिख रहे हैं लायोफोबिक सोल। पहला, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी का डिफिनेशन यही है, डीपी और डीएम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। यहां पे क्या होगा, नो इंटरेक्शन या बहुत वीक इंटरेक्शन यदि कह सकते हो, नो इंटरेक्शन बिटवीन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, यहां डीपी और डीएम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, यहां डीपी और डीएम के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं। कैन बी इजिली प्रिपेयर बाय मिक्सिंग डीपी एंड डीएम, प्रिपेयर बाय मिक्सिंग डीपी एंड डीएम। इसमें स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। स्पेशल मेथड प्रिपरेशन का रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने के कारण हाईली सॉल्वेटेड होगा, हाईली सॉल्वेटेड क्या होगा, नो सॉल्वेशन अकर या बहुत लेस सॉल्वेशन होगा, नो सॉल्वेशन अकर, इसमें सॉल्वेशन नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें, ये स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा बिकॉज इंट्रैक्शन है जिसके कारण से मोर स्टेबल होगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। इजिली कॉगुलेटेड, easily coagulated by addition of electrolyte, addition of electrolyte, अगर आप electrolyte इसमें add करोगे तो आसानी से coagulate कर जाएगा, ठीक है। पांचवा, addition of electrolyte से आसानी से coagulate हो जाएगा, ये reversible nature का होता है, मतलब आसानी से DP, मतलब reversible nature का है। डीपीडीएम अगर अलग हो गया तो उसको आसानी से बना भी सकते हैं, ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है, ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। अगर हम इसमें बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ डीपी डिस्पर्स फेज, पार्टिकल्स ऑफ डीपी मे और मे नॉट बी चार्ज्ड, चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी चार्ज्ड। इसमें क्या होता है, पार्टिकल चार्ज होता है, पार्टिकल्स ऑफ डीपी और इसी कारण से स्टेबिलिटी होता है, पार्टिकल्स ऑफ डीपी आर चार्ज, पार्टिकल जो होगा डीपी का क्या होगा, चार्ज होगा, ये पॉइंट है। सातवां पॉइंट हम लिखते हैं, सातवां पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ डीपी चार्ज होगा, सातवां पॉइंट होगा easily seen by, can't be easily seen by, can't be easily seen by ultra microscope, ultra microscope के थ्रू आसानी से देखना संभव नहीं है, कुछ कुछ दिखाई दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता है, और easily ये आसानी से दिखाई देता है, easily seen by ultra microscope, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करके आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। अगर और हम कुछ डिफरेंस लिखें तो लायोफिलिक सोल टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट, लायोफिलिक सोल टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, लायोफोबिक सोल टिंडल इफेक्ट शो करता है। और कुछ डिफेक्ट करते हैं, doesn't exhibit, what difference, doesn't exhibit tyndall effect
और ये क्या होगा एग्जिबिट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, 9 नंबर में लाफिलिक सोल का जो सरफेस टेंशन होगा, क्योंकि इसमें इंट्रैक्शन है, डीपी और डीएम के बीच में इंट्रैक्शन है, तो इंट्रैक्शन जब डेवलप हुआ सरफेस मॉलिक्यूल के साथ तो उसका सरफेस टेंशन घटेगा, तो सरफेस टेंशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से सरफेस टेंशन कम होगा। यहां पे सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन होगा उसी तरह का सरफेस टेंशन होगा एज दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। 10वां विस्कसिटी जो होगा, विस्कसिटी इज हायर देन, हाईली सॉल्वेटेड होने के कारण फ्लो कम करेगा, तो जो फ्लो में रेसिस्टेंस होता है उसी को तो विस्कसिटी कहते हैं, जो फ्लूड के फ्लो में जो रेसिस्टेंस होता है उसी को विस्कसिटी कहते हैं। विस्कसिटी इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से विस्कसिटी ज्यादा होगा, और इसका क्या होगा, विस्कसिटी इज सेम एज दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट के बराबर होता है विस्कसिटी। तो ये डिफरेंस है लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में। पूरे चैप्टर में आप लोग ये सब समझोगे कि कैसे टिंडल इफेक्ट क्या है, चार्ज क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा कुछ हम लोगों को पूरे चैप्टर में समझना है। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है कोलाइडल सॉल्यूशन का, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल के आधार पे, अगर इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी और डीएम के आधार पे, डीपी और डीएम के बीच में कैसा इंट्रैक्शन होगा, स्ट्रांग इंट्रैक्शन होगा कि वीक इंट्रैक्शन होगा, इसके आधार पर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर स्ट्रांग इंट्रैक्शन है तो लायोफिलिक, और इंट्रैक्शन अगर नहीं है तो लायोफोबिक। अब देखिए तीसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डीपी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे पहला होता है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, इस तरह के कोलाइड्स में बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट करके एक लार्ज नंबर ऑफ एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा ऑफ कोलाइडल डायमेंशन, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करेगा आपस में वो वीक वंडरवाल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा रहता है। इसका एग्जांपल जैसे गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ये सब जो होता है लायोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एटम्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन, छोटा छोटा मॉलिक्यूल। आपको पता है कि कोलाइडल डायमेंशन मतलब हुआ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल मॉलिक्यूल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है तो वो सब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया तो आपको कोलाइडल डायमेंशन का पार्टिकल बन जाएगा, जैसे कि सल्फर सोल, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, ये सब
सुपरसोल, ये सब हुआ, ठीक है, ये सब होगा। इस केस में क्या होता है, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स में मोलिकुल्स आर हेल्ड टूगेदर, आपस में मोलिकुल्स आर हेल्ड टूगेदर थ्रू वीक वंडरवाल बॉन्डिंग, वीक वंडरवाल बॉन्डिंग के थ्रू मोलिकुल्स आपस में जुड़ा रहता है, ठीक है। Such souls are generally lyophilic in nature, lyophilic nature का होता है, इस तरह का soul जो होता है lyophilic nature का होगा, ठीक है। अब देखो ये वो multimolecular collide, मतलब जिसमें small small molecules aggregate करके एक पार्टिकल्स बना दे कोलाइडल डायमेंशन का, उसी को मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स कहेंगे। अब देखिए दूसरा तरह का कोलाइड्स होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में क्या होता है, मोलिकुल्स खुद इतना बड़ा होता है कि वो कोलाइडल डायमेंशन का पार्टिकल बना लेता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में क्या होगा, मोलिकुल्स आर themselves लार्ज इनफ टू फॉर्म ए पार्टिकल, टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन, इस पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। इसमें आपको बाहर से मतलब कुछ ऐड करके, कुछ आपस में जोड़ के, कुछ तोड़ के बनाने का जरूरत नहीं है, बल्कि मोलिकुल्स खुद कोलाइडल डायमेंशन का होता है। इसमें ना बाहर से आप तोड़ भी नहीं रहे हो, जोड़ भी नहीं रहे हो, मल्टी मोलिकुलर में बहुत सारा मोलिकुल को जोड़ के बना रहे हो, मैक्रो मोलिकुलर में पार्टिकल खुद इतना बड़ा साइज का है कि कोलाइडल डायमेंशन का बन जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टार्च सोल, गिलाटीन सोल, ठीक है, जिलाटीन सोल, नायलोन सोल, ठीक है, सेलुलोज सोल, जो पॉलीमर वगैरह है, ये सब होगा। इस तरह का जो होता है, सब सोल्स आर जनरली लायोफोबिक इन नेचर, लायोफोबिक नेचर का होता है ये। इस तरह का सोल जो होगा लायोफोबिक नेचर का है। तो हमने दो तरह का कोलाइड्स पढ़ा, एक मल्टीमोलिकुलर कोलाइड जिसमें मोलिकुल्स आपस में वेंडरवाल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ करके पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन में आएगा। दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स जिसमें मोलिकुल्स खुद इतना बड़ा होता है कि पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन बना सके। और तीसरा होता है एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड कोलाइड्स। सर्फेक्टेंट इसका एग्जांपल होता है, सर्फेक्टेंट आपको पहले पढ़ाएगा। देखिए होता क्या है, कुछ ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जब कंसंट्रेशन आप कम रखोगे तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। इस तरह के कोलाइड्स को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है। Some solution act as true solution at low concentration, but at higher concentration they behave as colloidal solution. Such souls are called associated colloids. इस तरह के colloidal solution को हम लोग associated colloids कहें। Such souls are called associated colloids. समझ में आया, इस तरह का souls को हम लोग such souls are called associated colloids। समझ में आया। अब देखिए
जो हमारा एसोसिएटेड कोलाइड्स है उसको मिसेल्स बोला जाता है. एसोसिएटेड कोलाइड्स आर कॉल्ड मिसेल्स. ठीक है. इसका एग्जांपल अगर आप लिखोगे तो सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सोप डिटर्जेंट सॉल्यूशन, जो कि सर्फेक्टेंट का एग्जांपल है. ठीक है. एक्चुअल में एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसेल्स बनने के लिए एक खास कंसंट्रेशन का नीड होगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, शॉर्ट में CMC, एंड एक खास टेम्परेचर जरूरत होगा कम से कम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. मतलब मिसेल्स फॉर्मेशन अकर एवब ए पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, एवब ए पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, जिसको भी कहा जाता है कॉल्ड क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, शॉर्ट में कहा जाता है CMC. ठीक है. एंड एवब ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एवब ए पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर TKF. अलग अलग तरह के कोलाइड्स के लिए CMC का वैल्यू और क्राफ्ट टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग होता है. जैसे कि नॉर्मल सोप का अगर हम CMC बोले तो लगभग 10^-3 टू 10^-4 मोल पर लीटर के करीब होता है. फॉर डिफरेंट कोलाइड्स, for different colloids, CMC and TKF, craft temperature have different values. अलग अलग तरह के colloids के लिए CMC और craft temperature का value क्या होगा, अलग अलग होगा. ये बात समझ में आ रहा है. मिसेल्स फॉर्मेशन ये हुआ और colloids फॉर्मेशन ये हुआ. तो अलग अलग तरह के colloids के लिए CMC और क्राफ्ट टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग होता है. तो यही एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में है. अब देखिए हम आपको बताते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स का, मिसेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है. तो हम लोग इस चीज को सर्फेक्टेंट के रूप में पढ़ चुके हैं. एक्चुअल में एसोसिएटेड कोलाइड्स कुछ नहीं बल्कि सर्फेक्टेंट है. तो हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटेड कोलाइड्स होता है, एसोसिएटेड कोलाइड्स होता है वो कुछ नहीं बल्कि सर्फेक्टेंट है. और आपको बता दिया गया है कि सर्फेक्टेंट का जो नेचर होता है वो इस तरह का होता है. ये हुआ हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो पोलर पार्ट होता है, जो कि कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक और ज्यूट्रॉनिक सब हो सकता है. और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है. ठीक है. अगर हमने क्या किया, वाटर रखा है यहां पे, और वाटर में डर्ट वगैरह है, डर्ट डर्ट को हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, डर्ट है, डर्ट मतलब जो कि ऑयली डर्ट है, जो कि नॉन क्लोरिनेटेड होगा. तो अगर आप सर्फेक्टेंट को रखोगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के अराउंड, और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा, वाटर से दूर. इस तरह से होगा. कब, जब कंसेंट्रेशन लेस देन होगा CMC के. लेकिन जैसे ही अगर आप कंसेंट्रेशन करोगे CMC से ज्यादा, कंसेंट्रेशन एट कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू CMC होगा क्या, ये जो डर्ट मॉलिक्यूल है, मान लो डर्ट मॉलिक्यूल इस तरह का है, ये ऑयली डर्ट है, मतलब क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा. तो ये जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है वो नीचे आएगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट इससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इससे जुड़ जाएगा. और हाइड्रोफोबिक पार्ट के जुड़ने के कारण आप कौन कहोगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट के जुड़ने के कारण क्या होगा,
हाइड्रोफोबिक पार्ट के जुड़ने के कारण क्या होगा, ये जो होगा एक मिसेल्स बना लेगा, यही मिसेल्स है। और इधर इधर गौर करिएगा, ये जो जो राउंड राउंड पार्ट है वो हेड पार्ट है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर के तरफ है और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है डर्ट के तरफ है, ये डर्ट है ऑयली डर्ट है, डर्ट है जो कि ऑयली नेचर का होगा, जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, यही हमारा हो गया मिसेल्स। तो इस तरह का बहुत सारा मिसेल्स फॉर्मेशन होगा लगभग, इसमें कि 100 से ज्यादा सर्फेक्टेंट होता है, 100 से ज्यादा सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है और यही मिसेल्स जो है एसोसिएटेड कोलाइड्स। गौर करिएगा डर्ट जो है, डर्ट से हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच हुआ और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ है, ये चीज गौर कर रहे हैं आप, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ है, तो यही एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो इस तरह से हमने डिवीजन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन किया तीन तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, 8 तरीके का बताया गया, अलग अलग फेज लिया गया डीपी और डीएम का। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, 2 तरह का बताया गया, लायोफिलिक लायोफोबिक, और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी, 3 तरह का बताया गया, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स और लास्ट में बताया गया एसोसिएटेड कोलाइड्स, जिसको कि मिसेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके।